नमस्कार दोस्तों, स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा पद मोदी जी की तरफ से शायद मिल गया है। बहुत बड़ा पद जो है उनको दे दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मृति ईरानी तो हार गई हैं, उनको कौन सा पद मिला है, मोदी के मंत्रालय में उनको कौन सी जगह मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी को कौन सा पद मिला है, आपको दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी को मोदी ने कौन सा पद दे दिया है। आप सभी को पता है कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं। बहुत स्मृति ईरानी अमेठी का जीत का जश्न मनाया करती थी, घमंड था उनको, राहुल गांधी पर चीखती चिल्लाते रहती थी, कोई पत्रकार उनसे सवाल कर ले तब भी वो चीख जाती थी, चिल्लाते लगती थी। यही नहीं, स्मृति ईरानी तो संसद भवन में भी चीखते चिल्लाते हुए नजर आई थी, माफ़ी मांगो सोनिया गांधी, माफ़ी मांगो राहुल गांधी, माफ़ी मांगो प्रियंका गांधी, ऐसे ही चीख रही थी ना। और टैलेंट की उनके पास तो कमी है नहीं, मॉडलिंग एक्टिंग सब है उनके पास, सारी चीज़ में करियर अब जो है वो जमा चुकी हैं। अब राजनीति कर रही हैं, राजनीति में भी कभी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी तो कभी चूड़ियाँ भेजती थी। सारा टैलेंट देखकर ही तो स्मृति ईरानी को मंत्री मोदी के मंत्रालय में बनाया गया था। लेकिन इस बार अमेठी हार गई और हाथ में कुछ लगा नहीं, तो मोदी जी ने उनको एक बहुत बड़ा पद जो है वो शायद संभालने दे दिया है। शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्मृति ईरानी इन दिनों क्या कर रही है ये जानकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे। स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं, मोदी जी की हर वीडियो को पोस्ट करने में। दोस्तों जी हाँ, ये काम मोदी जी की तरफ से शायद स्मृति ईरानी को दे दिया गया है, या फिर स्मृति ईरानी खुद कर रही है ताकि कोई पद उनको मिल जाए, मोदी जी कुछ पद वद दे दें। क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार मोदी का वीडियो, मोदी का भाषण, मोदी के ट्वीट्स को ही रीट्वीट पोस्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। ये भी तो एक काम ही है, स्मृति ईरानी अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती वक्त निकाल कर मोदी जी की वीडियो को पोस्ट कर रही हैं। देखिए, मोदी जी के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखती हैं, मैं तो देश का सेवक हूँ। ये काम स्मृति ईरानी को मिला है। दोस्तों, स्मृति ईरानी मोदी जी का वीडियो शेयर करके कल वाला लिखती हैं देश सेवक है, उससे मन नहीं भरता है तो उससे पहले भी एक और वीडियो शेयर करती हैं मोदी जी का ही, कि भारत में नारा नहीं निष्ठा के साथ वोमेन लीड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए हैं, वोमेन हेल्थ सैनिटेशन और वेलनेस पर हमने 10 सालों में प्राथमिकता से काम किया है। ये सारी चीज़ें मोदी जी के दी गई भाषणों के स्मृति ईरानी क्लिप निकाल निकाल कर शेयर कर रही हैं। आगे उन्होंने ये भी शेयर किया है कि पीएम मोदी ने क्यों कहा विपक्ष के मुंह में घी शक्कर, मोदी जी के ये वीडियो भी शेयर किए, क्यों कहा विपक्ष के मुंह में घी शक्कर। मीडिया का रोल भी स्मृति ईरानी ज़बरदस्त तरीके से निभा रही है। दोस्तों देखिए, फिर से मोदी जी का बैक टू बैक मोदी जी का ही पोस्ट स्मृति ईरानी कर रही हैं। लिखती हैं, संविधान का सतत अपमान, कांग्रेस की असली पहचान, ये सारी चीज़ें स्मृति ईरानी के ही पोस्ट का मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। दोस्तों अब देखिए, मोदी जी के राज्यसभा में दिए गए भाषण को जो मोदी जी ने ट्वीट किया था उसको स्मृति ईरानी ने रीट्वीट किया है। आगे देखिए, मोदी जी के एक और वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज़ भी मजबूत है, मेरा संकल्प भी मजबूत है। ये तमाम चीज़ें स्मृति ईरानी के ही सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है। आगे मोदी जी का एक और वीडियो शेयर किया और लिखा, सावधान, ये सारा काम स्मृति ईरानी को इन दिनों मिला हुआ है, वो बहुत शिद्दत के साथ जो है वो काम कर रही हैं। बस मोदी का फ़ोटो, मोदी का वीडियो सब रीट्वीट करते हुए नज़र आ रही हैं। आप भी देखिए दोस्तों कि मोदी जी को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या क्या नहीं पोस्ट किया है, कितनी मेहनत की है स्मृति ईरानी ने। दो दिन पहले राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रही थी और लिख रही थी कि कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, उनसे कहूँगी हिंदू ना पद से है ना प्रतिष्ठा से है, हम हिंदू तन से हैं, मन से हैं, विचार से, व्यवहार से और संस्कार से हैं, सनातन का परम सत्य हिंदू और हिंसा पर्याप्त नहीं है। इस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक झूठ का जो प्रपंच गढ़ा था वो भी शेयर कर दिया। हालांकि ये वीडियो साफ तौर पर मैंने आपको कई दफ़ा दिखा दिया है कि ऐसा कुछ भी संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के ज़रिए नहीं कहा गया था, लेकिन स्मृति ईरानी का काम इसी से चल रहा है तो वही चलाते हुए नज़र आ रही हैं।
हिंदुओं मुसलमानों, हिंदू मुसलमान, बीजेपी की पूरी दुकान इसी से चल रही है, तो वो यही चलाते हुए नज़र आ रही हैं। अब सबसे अहम बात दोस्तों कि स्मृति ईरानी मोदी का वीडियो ट्वीट करते हुए सारी जानकारी साझा कर रही है, लेकिन इस देश में क्या क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से बदहाल लोगों की जिंदगियां हो रही है, उस पर स्मृति ईरानी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। कमाल की बात है ना दोस्तों कि स्मृति ईरानी को इस देश में कोई दिक्कत कोई परेशानी नज़र ही नहीं आ रहा है। वो खुश तो सब जहां खुश, लेकिन स्मृति ईरानी, आपको मैं बता दूं कि मोदी के ट्वीट के अलावा भी और कुछ है, उससे भी आगे दुनिया है, उससे भी आगे जहान है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार में क्या चल रहा है उस पर कभी स्मृति ईरानी जी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? बोल लेती अभी लालू यादव की, तेजस्वी यादव की सरकार होती तो आप तो चीख चीख कर ट्वीट करती जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि आज का ही अखबार है ये दैनिक भास्कर का, आप देख सकते हैं, और इस अखबार में क्या छपा हुआ है, किस तरीके से भ्रष्टाचार भड़भड़ाकर धड़धड़ाकर गिर रहा है, लेकिन ना बीजेपी को, ना स्मृति ईरानी को, ना मोदी जी को, और ना मोदी जी के किसी मंत्री को कुछ दिखाई ना सुनाई दे रहा है। देखिए दैनिक भास्कर लिखता है, हद है, एक ही दिन में 5 पुल बिहार में ढह गया है। एक दिन की ये सिर्फ बात है, और बिहार के अंदर अब तक 11 से 12 पुल ढह चुके हैं दोस्तों। किस कदर भ्रष्टाचार खुल कर सामने आ रहा है, लेकिन इस पर ना मोदी जी का ताप किसी को पड़ रहा है, ना ही स्मृति ईरानी और ना बीजेपी के किसी नेता का मुख खुल रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार धम धम करके गिर रहा है, भड़भड़ा करके गिर रहा है। ये आज का हेडलाइन है दैनिक भास्कर का, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये अखबार लेकर आई हूँ कि आपको भी दिखाओ कि कहाँ कहाँ पर पुल जो है वो गिरा है। पहला पुल पाइलान टोला में गडकरी नदी पर बना हुआ गिरा है। सीवान के देवरिया पंचायत का ये पुल 30-40 साल पुराना है। निर्माण के बाद इस पुल को कभी देख रेख नहीं की गई, ये पुल गिर गया। दूसरा, सिकंदरपुर नौतान के बीच धमही नदी का पुल गिर गया है। सीवान के सिकंदरपुर और नौतान के बीच धमही नदी पर बना पुल 30-40 साल पुराना है। इसकी भी लंबे समय से कोई मरम्मत नहीं हुई है। तीसरा, तेघड़ा तेवथा पंचायत के बीच धमही पुल भी गिर गया है। चौथा, श्री डोडानाथ मंदिर के निकट गंडकी का पुल भी गिर गया है। पाँचवा, दंदासपुर जंगल विलास टोला का पुल भी ध्वस्त हो गया है। इस तरीके से ये पुल जो है एक दिन का जो है वो बता रही हूँ बिहार के अंदर जो गिरता हुआ नज़र आया है। ना कोई मरम्मत, ना कोई देख रेख, ना कोई क्या कहा जा सकता है, ना मरम्मत, ना देख रेख, ना कोई बचाव। लोगों की जिंदगियाँ जा रही है तो जाने दो, लोगों को दिक्कतें हो रही है तो होने दो। पुल टूट रहा है, रोड धस रहे हैं, गड्ढे नाले हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वीडियो शेयर करो, मोदी जी की बातें शेयर करो, बस यही काम इस देश में नेताओं और मंत्रियों का रह गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।